हेलो एंड वेलकम दोस्तों, रेलवे क्रिकेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 अक्टूबर के पहले और दूसरे शिफ्ट के मैं सारे क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। पहले और दूसरे शिफ्ट में क्या पूछा गया है आपको मैं शुरू से लेके अंत तक बताना चाहूँगा। इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं बार बार हर शिफ्ट में और हर दिन मैं बोल रहा हूँ आपको कि रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बार बार ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा ये जो वीडियो है शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट और सेकेंड से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप में आपको हिंदी में सभी की सभी जानकारी मिलेंगी, जीके के प्रश्न मिलेंगे, साइंस के प्रश्न मिलेंगे और रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, इसमें से आपको तीनों के प्रश्न एक एक पर एक मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। पहला है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो सुषमा स्वराज हैं भारत के विदेश मंत्री प्रेजेंट टाइम के। ठीक है, तीसरी, बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है? तो मोगली पुत्र हैं तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। ये थोड़ा पेपर टफ हुआ था पहले शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट में भी ऐसा ही कुछ ऐसा हुआ था, तो आपको देखना होगा, क्वेश्चन करने होंगे बार 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 क्वेश्चन, ये सब करंट अफेयर्स के लगाने होंगे और जीके के लगाने होंगे, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेनी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 किसे मिला है? तो 2017 विनोद खन्ना जी को मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। एशिया कप, एशिया क्रिकेट कप जो हो रहा है 2018, सभी को पता है, जितने भी भारतवासी सभी को पता है कि वो दुबई में हुआ और इसका जो जीती हुई जो टीम है थी वो हमारी भारत थी। ये हर बार की जीती हुई हमारी भारतीय टीम है। ठीक है, यूएनओ में भारत का प्रतिनिधि कौन कर रहे हैं? तो यूएनओ में भारत का प्रतिनिधि कर रहे हैं सैयद अकबरुद्दीन। नागालैंड के राज्यपाल का नाम क्या है? तो भाई पद्मनाभा आचार्य, ये है नागालैंड के राज्यपाल का नाम। गोवा के राज्यपाल का नाम क्या है? तो ये मृदुला सिन्हा हैं गोवा के राज्यपाल का नाम। खेलो इंडिया स्कूल गेम के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? तो वो राजवर्धन सिंह राठौर, ये उनके जो जो मिनिस्टर हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और उन्होंने ही इस खेल का नींव रखा। और ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, मैं 200 प्लस क्वेश्चन कराए हैं साइंस साइंस जीके और रीजनिंग के, सारे क्वेश्चन करा रखा है, तो उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, खेलो इंडिया स्कूल गेम में पहले किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनु कुमार ने जीता है। ठीक है, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 65 से 70 लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। प्रिज्म में भारत प्रकाश का विभाजन कितना क्या कैसे की होता है? तो वर्ण का विक्षेपण होता है प्रिज्म में प्रकाश का विभाजन। ठीक है, मनुष्य का सर्वप्रथम पालतू जानवर कौन है? तो मनुष्य का सर्वप्रथम पालतू जानवर होता है कुत्ता। ठीक है, आपको देख लेना होगा। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है किस पर? आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तो तापमान पर होती है। ठीक है ना, संस्कृत में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 किसे मिला है? तो निरंजन मिश्र को साहित्य में संस्कृत में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, निरंजन मिश्र को। वास्को डिगामा केरल में कहाँ उतरा था? तो वास्को डिगामा केरल में उतरा था कालीकट बंदरगाह में। भूकंप किस तरह का तरंग है? तो भूकंप है आपका अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है ना, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। वायुमंडल के सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो वो क्षोभ परत होता है, वायुमंडल की निचली परत। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रीजनिंग के मैंने अभी अभी खुद ये जो सारे शिफ्ट के जो क्वेश्चंस लग रहे हैं मेरे को कि ये ऐसे हो सकते हैं, तो मैंने वो पूरा उसका ब्यौरा तैयार किया है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। डायनोमो का कार्य क्या होता है? वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनोमो कार्य। ठीक है ना, रीजनिंग के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन में करके लेके आया हूँ। ठीक है, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने सारे शिफ्ट किया, मतलब मेरे हिसाब से ये ऐसे हो सकते हैं, मैं करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये पहले शिफ्ट में मैं बता रहा हूँ कि पहले शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आए थे आपके सिलोलिज्म से और एनालॉजी से आए थे, आपके एक एक क्वेश्चन आए थे, तो मैं जो तीनों शिफ्ट के ना कम से कम सारे शिफ्ट में ये एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको रीजनिंग में बता रहा हूँ कि सारे जितने भी जितने देखिए सिलोलिज्म एनालॉजी स्टेटमेंट कंक्लूजन कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेजन डायरेक्शन क्लॉक वाटर इमेज ओड वन आउट एंड वेन डायग्राम, जितने भी क्वेश्चन ये है ना टॉपिक है, इसमें से जितने भी क्वेश्चंस होंगे और मेरे को गारंटीड लग रहे हैं कि वो आएंगे, वो मैंने करके दिखाया आपको। सिलोलॉजी में 4 से 5 प्रश्न आएंगे, एनालॉजी में 3 से 4 प्रश्न, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स में 7 से 8 प्रश्न आए हैं, हाँ कोडिंग और डिकोडिंग में 6 से 7 प्रश्न होंगे। ठीक है ना, ब्लड रिलेशंस में 5 टोटल 5 होगा और डायरेक्शंस में आपका 3 प्रश्न होगा, क्लॉक से आपका 3 प्रश्न आएगा, वाटर इमेज से 2 से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं, ओड वन आउट में 3 से 4 प्रश्न होंगे और वैन डायग्राम में 5 से 6 प्रश्न। ये आपके सारे के सारे रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको मैं बता रहा हूँ कि इसने क्वेश्चन आ सकते हैं ये थर्ड शिफ्ट के भी एग्जाम में जो हो रहे हैं अभी। ठीक है,
फैथोमीटर से क्या नापते हैं? फैथोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई को नापते हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम्स में, सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में, ठीक है ना। मानव गुर्दे के रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव गुर्दे का रोग जो होता है ना, वो होता है कैडमियम के प्रदूषण से होता है। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान से सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक? तो एपिथिलियम ऊतक जो होते हैं ना, वो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ये एपिथिलियम वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइंस का क्वेश्चन है, आपको देख लेना है, ठीक है ना। लोहे लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए हमें निकल का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो जो इस्पात का जो है ना, वो धातु में बदली जा सके, मिलाई जा सके, ठीक है। नाभिकीय जो ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है जो विखंडन की वजह से होते हैं ना, वो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो वो जल होता है। सबसे सबसे सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान जल में है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो हमारा भारत ही सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। इतने क्वेश्चंस मुझे आज फर्स्ट से सेकंड शिफ्ट के दौरान मुझे मिले हैं, तो जो जो मुझे मिला है वो आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। और थर्ड शिफ्ट में होने वाले पर एग्जाम्स के, अगर मेरा तबीयत अगर ठीक होगा तो मैं दे दूंगा उसके भी सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और मेरे को लग रहा है वो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये क्या बोलते हैं, रीजनिंग के, ये सभी इतने ही आएंगे क्वेश्चन, इसके अलावा आएंगे नहीं। आपके सारे शिफ्ट में, हर एक दिन के शिफ्ट में ये इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं रीजनिंग से, तो आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन ऐसे ही इसी टाइप के या करके जाना है। और आपको गारंटीड, मतलब आपको कम से कम 70 से 80+ स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो रीजनिंग में आपको इतना अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा, तो आप रीजनिंग में आराम से कुछ क्वेश्चन जो सिलोलॉजिज्म के, एनालॉजीज के, जितने भी टॉपिक्स हैं उसको करके ही आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।